मोनिशा, ठीक कहा तुमने, ऐसा कुछ लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती। तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है करण के साथ और करण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो तुम भी मेरी दोस्त हुई ना, मतलब दोस्त की दोस्त। सच्ची मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी गिले शिकवे थे ना, सब विंडो खोल के बाहर उड़ गए। अब तो बस मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले, आओ और मेरे गले लग जाओ। कांग्रेचुलेशंस। अब एक सेकेंड, अचानक से इतना सारा प्यार मेरी जान, कुछ तो चल रहा है दिमाग में। हाँ चल रहा है ना, एक नई दोस्ती, एक नया रिश्ता, मतलब दोस्ती का रिश्ता जो तुम्हारे साथ होने वाला, वो चल रहा है मेरे दिमाग। So, are we friends now? Sure. Yeah. Okay. First, you tell me honestly. तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा? क्योंकि ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी, कि एक दिन में इतना प्यार तो नहीं उमड़ सकता ना। कुछ तो बात है जो तुम छुपा रही हो, या फिर मेरी अंगूठी चुराना चाहती? तुम्हें कैसे पता? आई मीन तुम्हें ऐसा कैसे लगता है? व्हाट डू यू मीन अंगूठी चुराना चाहती हो? इसका मतलब तुम मुझे चोर बुला रही हो? तुम मिस प्रीता अरोड़ा, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरे हाथों से मेरी एंगेजमेंट की रिंग निकाल लोगे तो भूल जाना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वन मोर थिंग, मैं ना करण से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे करण से ना दूर रहना, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मोनिशा फ्री में एडवाइस दे रही, इसलिए अपने दिल में चेयर डाल के बिठा लो, दिमाग को लॉक कर लो और रट्टा मार मार के याद कर लो, क्योंकि ये जो फ्री कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ना तुम्हें, इसके बाद अगर तुमने एक भी गलती की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम एक्चुअली, मैं बोलूंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। कुछ नहीं करेगी तुम, समझी? छोड़, जाने दे। अरे अरे क्यों जाने दे, ऐसे कैसे जाने दे, करने दो ना ऐसे। ऐसे भी तो पता चले इस घर की होने वाली जान, आई मीन होने वाली बहू के साथ ये किस तरह की कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ, बताओ। लेकिन एक सेकंड, कुछ भी कहने से पहले ना 10 बार सोच लेना, क्योंकि तुम तो जानती हो लूथरास की होने वाली बहू। होने वाली हुई नहीं हो तुम, और जिससे तुम बदतमीजी से बात कर रही हो ना, वो मेरी बड़ी बहन है। अपनी गंदी भद्दी लैंग्वेज अगर मेरी जी पे यूज करने की कोशिश भी किया तो जितना मैं तुम्हारा क्या करोगी तुम? मैं क्या करूंगी? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें क्या करूंगी। मैं कोई जरूरत नहीं बताने की, सृष्टि बोला ना, मैं तुझे जाने दे। अरे दीम मुझसे ये पूछ रही है कि मैं क्या करूंगी, तो मुझे बताने तो दो मैं क्या करूंगी। तू कुछ नहीं बोलेगी, तुझे मेरी कसम है। अरे यार आप मुझे कसम वसम क्यों देते रहते हो यार, आपकी कसम के चक्कर में ना इस जैसी मैम पतली गली से निकल जाती है बिना सबक सीखे। कर क्या रहा है? What is it? मुझे क्या पता? मुझे पता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उस दिन मैंने करण और रत्विक को गले लगते हुए देखा था, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार फोन करी थी यही बताने के लिए। जरूर रत्विक और ये लूथरास में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। What? तुम्हें नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बताया नहीं कि वो लूथरास के साथ मिला हुआ है? अरे क्या क्या अच्छी बात में यार तुम पीछे पड़ गए हो मेरे, है ना? भरोसा नहीं क्या मुझ पे? तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा मैं, भाग जाऊंगा लेके। सर जी ऐसी बात नहीं है, वो हिसाब वाली पर्ची थी ना वो मांग रहे थे, रिकॉर्ड में रखते हैं ना हम। हाँ रिकॉर्ड में रखना है, लेकिन जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, मुझसे मांग रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा रिकॉर्ड खराब है, कि जैसे मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा खा जाऊंगा। ये हिसाब का पर्चा है, और अच्छे से चेक कर लेना और बता देना कुछ गड़बड़ हो तो। इसमें इतना बड़ा बड़ा कुछ लिखा है जैसे अस्पताल का रिपोर्ट है, मेरा हिसाब तो नहीं है, एक काम करता हूँ सर को देता हूँ। लेकिन उनके काम का होता तो वो मुझे क्यों देते?
यही रख देता हूँ। इधर आओ जी। We are so lucky to have him around. हमारी दादी की भाषा में बोले तो ऋत्विक हीरा है हीरा, जो आज रात सबकी 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 आंखों में चमके। क्या ऋत्विक? You're just being very modest. Very modest. Actually, लकी ये लोग नहीं है, लकी तो मैं हूँ। अब इन लोगों को तो कोई भी मिल जाता बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, बट इन लोगों ने मुझे चुना। ये फॉर श्योर मेरी लाइफ की ना बिगेस्ट अचीवमेंट है, सबसे सबसे बड़ी अचीवमेंट है ये। और ये मेरे सबसे बड़े पार्टनर, इनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो फालतू बातें कर रहे हो ना, कुछ काम की बात करो तो रुक के सुनो भी। वही पृथ्वी जी गलत है, उन पे शक हो रहा है, मुझे तो वो गलत ही लगते हैं। और मैं? तुम कहाँ से बीच में आ गए? मैं पृथ्वी जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे होने वाले पति। वो कोई होने वाला पति नहीं है, सिर्फ वनस्पति है। तुम्हारे हाथ में अंगूठी भी नहीं है, उसके लिए कुछ लगाई टूट चुकी है। अच्छा तुमने बोल दिया तो मैं मान जाऊँ। और तुमने बोल दिया तो मैं मान जाऊँ कि वो दाढ़ी वाला बकरा तुम्हारा होने वाला पति है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, माय गॉड, तुम मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम में। मुझ में? यस। अरे भरे पड़े हो तुम प्रॉब्लम से। मैं प्रॉब्लम? तुम प्रॉब्लम, तुम प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम मुझ में है, मेरा नाम ही प्रॉब्लम है। सो प्लीज आप दोनों ना ये रोमांटिक वाला झगड़ा मत कीजिए। रोमांटिक वाला झगड़ा? बेबी क्या सब देख, क्या ढूंढ के आ रही हो बेबी तुम? मनीषा कोई नहीं है यहाँ पर। जानती हूँ यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन किसी और कमरे से भी तो कैमरे के थ्रू हम नजर रख सकते हैं ना कोई। तुम लोग चुप नहीं रह सकते, तो इससे बेटर यही है कि हर तरफ चेक कर लेना चाहिए। मनीषा बेबी कितनी इंटेलिजेंट हो गई हो तुम, मुझे ये बताओ ये सब हो क्या रहा? क्या हो रहा मतलब? मतलब तुम ऋषभ को कब से जानते हो? ये कौन सी डील है जो मुझे पता ही नहीं है? मनीषा क्या? मनीषा कब मिले तुम उससे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? हाँ मेरी शादी हो जाती तब, मैं सगाई नहीं होती अगर तुम मुझे ये चीज पहले बता देते। तुमने बोला क्यों नहीं? अरे मनीषा चुप, मेरी बात तो सुनो मनीषा, तभी तो बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। करण बेबी सब खत्म हो गया, लूथरस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। We are finished. Shut up, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Shut up नहीं, shut down, सब shut down हो गया, सब shut down हो गया। ऐसा कुछ नहीं है पृथ्वी, get up and fight back. अरे क्या fight back? कौन सी fight की बात कर रहे हो तुम? उस fight की, उस लड़ाई की, जिसमें हम already हार चुके हैं। ऐसे कैसे हार गए? तुम ऐसे नहीं हार सकते। इंसान तब हारता है जब वो खुद मान लेता है कि वो हार गया है। तुम हारे नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कह रहा है कि तुम हार गए। अब तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिमाग में चली गई क्या? तुम्हें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देखो हम बर्बाद हो चुके हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। हम इस वक्त एक ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिसके अंदर ही अंदर हम धसते ही चले जा रहे हैं, धसते ही चले जा रहे हैं। थैंक यू। कितने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ सही हो रहा है। नहीं तो मुझे एक बात बता, एंगेजमेंट तोड़ने के लिए क्या करूँ? आराम से बोल, क्या कर रहे हैं? मनीषा आसपास होगी, ऋत्विक आसपास होगा, तुम सुन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यार मैं अपनी नहीं, मैं प्रीता की एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे? सही बोल रहा हूँ, मुझे वो दाढ़ी वाला बकरा प्रीता के लायक ही नहीं लगता। वो तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा तुझे एक्चुअली एक सच बात बताऊँ तो मुझे मालूम है इनके लायक कौन। मुश्किल है, कोई नहीं। ऐसे कैसे कोई नहीं है? मैंने अपनी पूरी फ्रेंड लिस्ट चेक की है, सबका बायोडाटा चेक किया, कोई उसके लायक नहीं है, कोई लड़का नहीं। मेरे पगलू तूने जो चेक किया है ना, वो अपनी फ्रेंड लिस्ट चेक कर। जरा अपने आसपास नजर घुमा कर देख, क्या पता तुझे कोई ऐसा मिल जाए जो वाकई बहुत अच्छा हो। नहीं यार,
वो लड़की ना थोड़ी चिंचड़ है। क्या? चिंचड़? I mean, irritating. कहाँ से ढूंढता है चिंचड़? हाँ, I mean, थोड़ी सटकी हुई, भटकी हुई, उसे कोई नहीं झेल सकता, सिवाय मेरे। I mean, मैं झेल लेता हूँ, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन झेल लेता हूँ। Thank you so much, baby. मेरे हाथ नॉनसेंस में सेंस डालने के लिए थैंक यू बेबी। अब तुम देखना कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि अब फिर से हमारा प्लान एकदम राइट ट्रैक पे जाएगा। सबको बर्बाद कर देंगे और बाजी को फिर से हमारे फेवर में ले आएंगे। पर एक चीज मुझे बॉदर कर रही है। क्या? और वो ये कि वो चालाक लोमड़ी मोनिशा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यू टर्न मार के ना अपने उस सुकड़े टिल्ले बॉयफ्रेंड ऋत्विक की साइड हो जाएगी। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह मत रो, तुम रोना बंद कर। जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये वो फिक्र तो नहीं है जो एक अनजान अजनबी दिखाता है किसी के लिए? ये एक लड़की होने के नाते मुझे इनका शर्लिन को छूना बहुत गलत लग रहा है। या फिर करण ने मेरे दिमाग में पृथ्वी जी के लिए शक डाल दिया है, उस वजह से मुझे गलत लग रहा है? या फिर वाकई ये पिताजी? कुछ नहीं, मैं अब चलती हूँ। पार्टी में काफी देर से नहीं हो तो सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। यू रेस्ट वेल। पिताजी, तुम्हारी उस मुसीबत में मोनिशा 1% ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं, 1% भी। और है क्या वो चीज हमसे बस थोड़ा सा ज्यादा? मोनिशा, जो डील मैंने क्रैक करी है ना, वो 1-2 करोड़ की डील नहीं है, 60 करोड़ की डील है। 60 करोड़ की? देखो वैसे तो डील 120 करोड़ की है, पर सिंस मैं 50% पार्टनर हूँ तो 60 करोड़ मेरा ऑटोमेटिकली। मोनिशा, ये डील बहुत बड़ी है। यही तो प्रॉब्लम है कि ये बहुत बड़ी डील है। जरा सोचो, इतनी बड़ी डील इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है? दिमाग है ना तुम्हारे पास बहुत, सोचो ना। फिर आसानी क्या होता है? डील आसानी से मिल रही है क्या मोनिशा? अरे यार, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है मेरा, एक्सपीरियंस जो ब्रिलियंट हूँ, क्यों नहीं मिलेगी? मेरी कैपेबिलिटी तो मिली है मुझे यार ये डील, मेरी फेस वैल्यू भी नहीं मिली, मेरा काम देखकर मुझे ये डील मिली है। मोनिशा, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से जा रहा था ना, तो कोइंसिडेंटली मेरी गाड़ी की टक्कर ऋषभ की गाड़ी से हो गई और वो बेहोश हो गए। पर गलती मेरी नहीं थी। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऋषभ है, बस मुझे इतना पता था कोई बेहोश हो गया। वहाँ पर 2 सब्जियाँ वाली थी और कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, उन लोगों ने इतना इंसिस्ट करा कि इसको हॉस्पिटल या कहीं पर लेके जाओ। मुझे लगा ठीक है, किसी की हेल्प कर देता हूँ। मैंने उसे गाड़ी में डाल दिया अपनी। हाफ में रियलाइज करा कि ये तो ऋषभ लूट रहा है, तो मैंने सोचा कि यार अगर ये इतना फेमस है, इसको कहीं पर रास्ते में ऐसे छोड़ दूंगा तो गड़बड़ भी हो सकती है, मैं फंस जाऊंगा पुलिस के चक्करों में। तो मैं उसको घर ले गया। थैंक गॉड मैं उसे घर ले गया। जब मैं उसे घर ले गया ना मोनिशा, और जब मैंने घर पर जाके सारी बातें बताई, दीवाने हो गए थे मेरे वो लोग कि उनके घर के बेटे की जान बचाई है मैंने। राखी आंटी और करण थैंक यू बोल भी नहीं थक रहे थे। और जब ऋषभ को होश आया ना, वो तो भाई मेहरबान हो गया मेरे ऊपर। उसने कहा कि तुम तो गॉड सेंट आदमी हो ऋत्विक। और जब उसको पता चला कि मेरा हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, 1 सेकंड लगाया मोनिशा उसने, 1 सेकंड नहीं लगाया, और मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी 50%, 120 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50% पार्टनरशिप ऑफर कर दी। एक बार रिपोर्ट मिल जाए, ये चला किलो बड़ी की नहीं रहेगी। और मोनिशा ऋत्विक, सृष्टि की टीम वाले कोई है यार? मॉम देखेंगे तो बहुत डांटेंगे। अब क्या करूं? What should I do? मैं कर देता हूं। कैसे होगा? कैसे करूं यार?
ये लड़कियां कर सकती हैं। No, you've got it all wrong. लड़के भी डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन दिमाग वाले लड़के लड़के ना सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं, दिमाग वाले लड़के। अरे क्या बात कर रहे हो, कौन सी सदी के इंसान हो तुम? लड़के भी डेकोरेशन कर सकते हैं और लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं, और अब तो इंडियन क्रिकेट टीम भी है लड़कियों की, एंड इट्स डूइंग वेरी वेल। लड़कियों को किसी से कमजोर मत समझ, लड़कों का बराबर मुकाबला कर सकते हैं। एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, तुम हमेशा मेरी बात को काटती क्यों, उल्टा क्यों बोलती, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा? अरे बट मैंने सही कहा ना कि लड़कियों का काम डेकोरेशन है, लड़कों का काम क्रिकेट खेलना है। देखो अब ये बात तुम दोबारा कहोगे ना तो मैं कुछ ऐसा कह दूंगी जिसके बाद तुम बहुत अपसेट हो जाओगे। अच्छा बोलो बोलो बोलो। अरे जाने दो अभी। अरे नहीं कैसे जाने दो, बोलना पड़ेगा मैं। बोलो। अच्छा तो तुम्हें याद ना हो तो बता दूं कि यहीं पे एक बार क्रिकेट मैच खेला गया था लड़के और लड़कियों के बीच, जिसमें लड़कों की टीम हार गई, मतलब कि मैंने तुम्हें हरा दिया था। ओके। याद आया? तुम्हें मेरी हार याद जैसे किसी दुश्मन की हार याद रहती है, राइट? रॉन्ग, मुझे तुम्हारी हार याद नहीं है, लेकिन मुझे लड़कियों की टीम की जीत याद है। यार तुम ना रहने दो यार, जितना अच्छा दोस्त मैं तुम्हारा हूं ना, तुम उतनी अच्छी दोस्त नहीं हो मेरी। तुम्हें मेरी हार याद है, कैसे तुमने मुझे हराया, राइट? मुझे भी अजीब सा लगता है पृथ्वी के साथ शैलन और शैलन के साथ पृथ्वी, लेकिन शैलन भी कोई दूर की धुली नहीं, हमारे घर की किसी पार्टी में मिले होंगे दोनों, और दोनों के बीच में हो गया कुछ कुछ होता है। नहीं, जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, जब तक पक्का विश्वास नहीं हो जाता कि पृथ्वी जी और शलिन के बीच में कुछ, तब तक मैं करण को कुछ नहीं बताऊंगी कि मेरे दिल में पृथ्वी जी को लेकर शक है। वो तो मुझे सर्टिफिकेट ही दे देगा कि पृथ्वी जी ऐसे ही है, पर मैं अपना शक जरूर दूर करूंगी, इस बारे में पता जरूर लगाऊंगी कि मैंने जो देखा वो शक ही है या सच में इन दोनों के बीच। पृथ्वी बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी, ऋषभ ने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। दरअसल बात ये है कि आज ऋषभ बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये उस मास्टरमाइंड के बारे में बात कर रहा था जो ऋत्विक का पार्टनर है, जो इस घर का दुश्मन है। तो यूँ समझ लो कि ऋषभ ने तुमको नहीं मारा, उस मास्टरमाइंड को मारा बेटा, वही मास्टरमाइंड जो ये सब मिलकर ढूंढ रहे हैं। मनीषा, थैंक गॉड मनीषा तुम यहीं मिल गई, मुझे पता है कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता था कि ऋत्विक अपनी साइड बदल लेगा और लूथराज की तरफ चला जाएगा और हम सबको इसे स्टैप करेगा। और तो और लिसन, मैं ऋत्विक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी, तो कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। मनीषा, मनीषा तुम भी, तुमने एक सेकंड में अपनी साइड बदल ली। अरे पृथ्वी को पता हो ना हो, तुम्हें तो पता है कि जब भी तुम लूथरा मेंशन में फंस जाती थी तो मुझे और पृथ्वी को ही कॉल करती थी, और हम हमेशा तुम्हें बचाने के लिए आते थे, तुम्हें सेव करते थे लूथरा से, तो तुम्हें लूथरा पर नहीं हम पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास की बात तो तुम करना ही मत, समझी? और मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, वो बात अलग है कि जब भी मुझे इस लूथरा मेंशन में किसी की जरूरत पड़ी है ना, तो मैंने तुम दोनों को कॉल किया, क्योंकि तुम लोग इनके खिलाफ थे। In fact, हम तीनों इनके खिलाफ थे, right? लेकिन जान, अभी टाइम बदल गया, अभी ऋत्विक इनका बिजनेस पार्टनर है, तो जिसके खिलाफ ऋत्विक होगा ना, उसके खिलाफ मैं होंगी। फिर बेशक मुझे तुम दोनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, पार्टी बनाने के लिए। अरे 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 यार, तो इतना थैंक यू बोलेगा तो कैसे चलेगा, देख तेरा फोन बज रहा है। फोन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसे में मेरे भाई का फोन आ रहा है, छोड़िए इस फोन को। बेटा, भाई से बढ़के क्या है, हुँ? बात कर लो। सही बोल रही है आंटी, मैं इतना एक्साइटेड हो गया ना कि ब्लैंक हो गया। आई जस्ट टेक द कॉल, आई कम बैक, एक्सक्यूज मी। हेलो ऋषभ, पुत्र अगर ये पेपर्स असली है
उसका ये मतलब हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी असली है, और एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो ऋत्विक तुम्हारा असली का पार्टनर हो जाएगा। तो क्या हम सच में उसे 60 करोड़ रुपए के शेयर दे देंगे? नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा। रीता जी को मालूम था कि ऋत्विक आज ही के दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जिद करेगा, इसलिए उसकी तसल्ली के लिए सबके सामने अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसे लगेगा कि उसे पार्टनर बनाने का हमारा इरादा नकली नहीं असली। ये ऋत्विक तो दिमाग का बहुत ही तेज निकला। तो हम भी तो सवा तेज है, हम भी सवा तेज। हम ऋत्विक से कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर कराएंगे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के कोई मायने नहीं होंगे, और जब तक ये बात सबके सामने आएगी कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बनेगा, कुछ दिन तो निकल जाएंगे। मतलब हो ना हो ऋत्विक को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कुछ दिन का वेट करना ही पड़ेगा। एक मिनट दिया, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। ऋत्विक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के कोई मायने नहीं होंगे, इसका क्या मतलब होता है? सृष्टि रिलैक्स, रीता जी के दिमाग में कोई प्लान है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जब प्लान। वेरी गुड जी, वेरी गुड। रीता के दिमाग में प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, वेरी गुड। नहीं नहीं राखी आंटी, अभी तक तो मैंने प्लान सोचा, मेरा मतलब आपने सुना ही नहीं। प्लान सुनने की जरूरत क्या है? तुम्हारा प्लान है 100% अच्छा ही होगा। जरा पेपर्स देखूं तो। प्लान तो मेरा है इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरह साइन होने से रोकने का, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि मैं ऐसा करूंगी कैसे। ये समझता प्रीति, तू अपने होश में नहीं है, पता नहीं तू क्या कर रहा है। बाकी तुझे क्या मिलेगा यार, जिंदगी भर जेल में रहेगा, वहां सड़ जाएगा यार, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रीति सुन, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर यार, मैं तुझे बता रहा हूँ ना, दूसरा उसको कभी आइडिया नहीं होगा कि स्कैम का मास्टरमाइंड कौन है। सपने में भी कभी नहीं पता चलेगा कि ये सब कौन करवा रहा था। क्यों क्यों क्यों? मैं बताऊंगा ही नहीं। नहीं बताएगा, मैं कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, पक्का बोल रहा हूं। तेरी ये तू नहीं, ये तू नहीं बोल रहा, ये मेरी छुरी बोल रही है। पर मैं जानता हूँ ये छुरी जैसे हटी दुर्घटना घटी तेरे मुंह से, तू बिक जाएगा बिकाऊ भिखारी, तू बिक जाएगा। सुन मेरी बात, मैं सच्ची बोल रहा, मैं सच्ची बोल रहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा है बे भिखारी, वो लोग तुझे करोड़ों की भीख दे रहे हैं और तू भीख नहीं लेगा, तू बिक जाएगा। तू उन्हें आज नहीं तो कल मेरे बारे में सब बता देगा, मैं जानता हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। अरे रुपा, कुर्सी मेरी कितने जा रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे? चली जा रही है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती, मैं मदद के लिए कैसे बुलाऊंगी किसी को? अगर तू बचना चाहता है मेरे हाथों, मरना नहीं चाहता ना, तो तेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि तू कुछ मत कर, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कर, किसी के साथ टाइप मत कर, चुपचाप पतली गली से निकल ले यहां से, चुपचाप निकल ले, वरना तू बहुत पछताएगा। चल निकल, निकल अभी कभी निकल। तू देख मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, निकल निकल अभी कभी निकल। हाँ आंटी जी। सलील तुम्हारे पास घड़ी है, उसको उतार कर फेंक दो, कोई मतलब नहीं है उसका। 15 मिनट के अंदर मुझे आई नीड टू गेट दिस डन। क्या हुआ ऋषभ बेटा? कोई परेशानी है? आप परेशान लग रहे हो। सर लांटी, आप ही हैं एक, सिर्फ आप, इसको मेरे स्माइल के पीछे की परेशानी दिख जाती। थैंक यू सो मच। मैं समझ सकती हूँ, आप प्रीता की वो जो कर रही है उसके लिए परेशान हो ना, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा उसको वो रोक पाएगी, इस बात को लेकर परेशान हूँ। उसके बारे में तो मैं बिल्कुल सोच ही नहीं रहा। परेशानी ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उस मास्टरमाइंड का पता नहीं चल रहा जो मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़ा, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने और मेरे परिवार ने ऐसा क्या गलत किया है जो उसके पीछे इतने हाथ धो के पड़े। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, और सब कुछ उसके लिए हो रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप और आपका परिवार इतने अच्छे हैं ना कि आप लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करेंगे। और ये जो भी है ना, जो आपके परिवार के पीछे पड़ा है, आपके पीछे पड़ा है, वो जब सामने आएगा ना तो आपको जो कुछ भी करना होगा उसके साथ कर लेना, लेकिन तब तक अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो बस इतना विश्वास रखें कि अच्छों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता, आपके साथ भी कभी बुरा नहीं होगा बेटा, कभी भी। अब आपने कह दिया तो मैंने मान लिया। फिर 5 मिनट खत्म होने वाले, अब सिर्फ 7 सेकंड बाकी, 7, 6,
पांच चार तीन दो एक तूने मेरा इतना पत्ता काटा है ना, मन कर रहा है तेरा गला काटूं अभी के अभी। और काट चाकू नीचे कर, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। बोल, अब मैं काटूं तुझे? अचानक करूं तेरे टुकड़े, छोटे 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 टुकड़े। हाँ, यू नो वॉट, तुम्हारी वजह से मैंने ऋत्विक से झगड़ा किया कि लूथरास के साथ मत दो, पृथ्वी का साथ दो, क्योंकि ऋषभ इसके साथ खेल खेल रहा है, झूठ बोल रहे से। But I was wrong. No, you are not wrong. बस बहुत हुआ, ऋत्विक जो कर रहा है ना सही कर रहा है, और मैं इसका साथ दूंगी। अभी तो मेरे आगे आगे चल रही थी, अभी कहाँ गायब हो गई? आपको कैसे पता कि मैं किसी को ढूंढ रही थी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सच बताऊं, मेरी नजरें हमेशा आप पर ही रहती, आप जहां पर भी होते हैं मेरी नजरें वहां पर होती हैं। पिताजी, मैं क्या करूं, मेरी नजरें आपके चेहरे से हटती ही नहीं।